क्लास थर्ड इंग्लिश सेकेंड मीन्स ग्रामर ना पेज नंबर 9 एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी ओके अगेन एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड इनटू नाइदर एंड नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, ये नेगेटिव जो होते हैं जो है और इंट्रोगेटिव पे आते हैं. ठीक है, नाउ रीड द एग्जांपल्स. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है, मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. सेकेंड, ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा नेगेटिव हो गया क्योंकि नॉट आ गया, नॉट, नेवर. ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट, इज़ ही वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव आ गया, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे, क्या वो सच में इतनी सुंदर है, क्या वो तेज़ दौड़ सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. लेट अस कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. अब हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव में सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ही कैन लीव नाउ, सो ही कैन नॉट लीव नाउ. इट माइट रेन नाउ, इट माइट नॉट, दैट्स NOT. ओके, NOT, नॉट रेन नाउ. दे आर सेफ देयर, दे आर नॉट सेफ देयर. सेफ देयर का मतलब होता है सुरक्षित होना, और यहाँ पर सुरक्षित नहीं है. ही हैज़ अ यंगर सिस्टर, यू हैव अ यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर है आपके पास, तो बोलेंगे ही हैज़ नॉट अ यंगर सिस्टर, उसके पास नहीं है. ठीक है, ही कुड हैव रन फास्टर, ही कुड नॉट हैव रन फास्टर, मतलब बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता. ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन. Now let us convert the following affirmative sentence into interrogative. ये affirmative है normally. इनको interrogative means question mark में convert करना है. ठीक है, अब हम question mark में कैसे convert करेंगे, अब हम इस पर आते हैं. ठीक है, He has another book. उसके पास अलग book है. Does she has another book? क्या उसके पास कोई और book है? Next, Freddie can speak French. फ्रेडी जो है फ्रेंच बोल सकता है, यहाँ पे श्योरिटी आ रही है वो बोल सकता है, बट यहाँ पे कैन फ्रेडी स्पीक फ्रेंच, क्या फ्रेडी जो है फ्रेंच बोल सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया. द बर्ड विल फ्लाई अवे, डेफिनेटली उड़ सकती थी ना, उड़ेगी जो बर्ड है वो उड़ेगी, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. विल द बर्ड फ्लाई अवे, मतलब क्या एक तरह से बर्ड उड़ेगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया. क्या जब आ जाए, क्यों, कैसे, तब हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डाउटफुल होते हैं. याद रखिएगा हमेशा इंट्रोगेटिव इट मीन्स एक तरह से डाउटफुल क्वेश्चन होता है. ठीक है, जैसे जितने में भी देखा आपने, सब में डाउटफुल देखा. डज शी हैज़ अनदर बुक, क्या उसके पास कोई और बुक है. कैन फ्रेडी स्पीक इंग्लिश, क्या फ्रेडी इंग्लिश बोल सकता है. विल द बर्ड फ्लाई अवे, क्या चिड़िया जो है उड़ेगी. Now you can ride a horse. Can you ride a horse? क्या तुम घोड़ा चला सकते हो, घोड़े पे घुड़सवारी कर सकते हो. Ride मतलब घुड़सवारी है. Sandra has a beautiful face. Does Sandra has a beautiful face? क्या Sandra का बहुत सुंदर चेहरा है. तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन मार्क और किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज होते हैं, क्लियर नहीं होते, तब हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं. ओके, और किसी चीज़ पे हम कन्फर्म होते हैं नहीं, तो ही कैन नॉट लीव नाउ, वह अभी नहीं जा सकता. It might not rain now. अभी बारिश नहीं हो रही. तो इस तरह से जो नॉट के सेंटेंस होते हैं वो कन्फर्मेशन देते हैं कि नहीं वाले सेंटेंसेस को. ओके, हैव अ नाइस.